देखिए सवाल ये उठता है कि जल रहा है बंगाल और फिर भी जला बंगाल, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं की बात की गई, इंतजाम की बात की गई, लेकिन कैसे बंगाल। देखिए सेंट्रल फोर्स 65,000 सेंट्रल फोर्स की तैनाती यहां पर है, पुलिस बलों की स्टेट पुलिस बल यहां पर जो है वो 70,000 की तैनाती, कुल मिलाकर यहां पर 1,35,000 जवानों को तैनात किया गया। लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि कैसे बंगाल जल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में 1,35,000 जवानों की तैनाती के बाद भी चुनाव में लाल बंगाल क्यों हो जाता है, ये बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल पाता है। 2013 आप देखिए पंचायत चुनावों में हत्या का ये आंकड़ा, 142 लेफ्ट का आरोप यहां पर है कि 142 लोगों की जो है वो हत्या हुई। 2018 यहां पर 23 लोगों की मौत हुई है। 2023 का आंकड़ा 24 घंटे में 23 मर्डर, यहां 13 मर्डर माफ कीजिएगा, 24 घंटे में 13 मर्डर हो चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा है, जो सवाल खड़े करता है कि आखिर पंचायत चुनाव लोकल स्तर का चुनाव, लेकिन बावजूद इसके बंगाल जो है इस वक्त लाल लाल हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।